फ्लेवर ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और आज एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं। प्रश्न है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड का मतलब ठंडा जीव, वार्म ब्लडेड का मतलब गर्म जीव, ऐसा नहीं है। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में आपको अंतर हम सबसे पहले आपको बता दें। कोल्ड ब्लडेड वो जीव होते हैं जिसके बॉडी का तापमान बदलते रहता है, मतलब अगर ठंडा का मौसम है तो ठंडा की तरह तापमान, गर्मी का अगर मौसम है तो गर्मी की तरह तापमान। और वार्म ब्लडेड वो एनिमल होते हैं, वो जीव होते हैं जिसका बॉडी का तापमान चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्मी हो उतना ही बना हुआ रहता है, उसको हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। जैसे ह्यूमन की अगर बात कर लें तो ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर ये टेम्परेचर आप ठंडा में मापें या गर्मी में मापें, ये टेम्परेचर हमेशा उसका बना हुआ रहता है, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड का नेचर है। जैसे हम लोग हो गए, इसके अलावा सांप हो गया, उसके अलावा जो है कई सारे और जीव हो गए, तो ये वार्म ब्लडेड होता है। यही कारण है कि मौसम इन्वायरमेंट जब बदल रहा होता है तो इन्वायरमेंट के बदलने से, और आपका बॉडी तो वही टेम्परेचर वही रहता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर चेंज होता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर जितना है उतना ही रहता है। इसलिए इन्वायरमेंट ठंडा अगर हो गया तो आपकी बॉडी को ठंडा लगने लगता है। आपके बॉडी के टेम्परेचर से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर गर्म है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, इसलिए आपको गर्म लगने लगता है। ठंडा वाले जैसे जीव को बात करेंगे, कोल्ड ब्लडेड वाले को, तो मछली को देख लीजिए। मछली में क्या है कि इतना ठंडा पानी में रहता है फिर भी उसको ठंडा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। ठंडा पानी हुआ तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी बदल लेता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो ठंडा या गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में वह धरती के नीचे चले आते हैं, जिसको हाइबरनेशन या एस्टिवेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में जीव अपने आप को ठंडा या गर्मी से बचने के लिए अपने बॉडी को धरती के नीचे या किसी सुरक्षित जगहों पर छिपा लेता है। जैसे सांप में देखते हैं या केचली जो बॉडी के ऊपर से जो पुआल बना लेता है, वो बॉडी के टेम्परेचर, क्योंकि एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा के दिनों में देखने को मिलता है, क्योंकि एनवायरमेंट का टेम्परेचर ठंडा हो गया रहता है और उसको बचना है इसलिए उसके ऊपर में पुआल बन जाता है। तो इसी तरह से जितने भी जीव होते हैं उसका बॉडी का टेम्परेचर इसलिए उसको ठंडा या गर्मी लगता है, क्योंकि वो या तो कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड में कौन कौन आ गए? तो हम लोग जो होते हैं वार्म ब्लडेड है, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी चूहा, ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। जबकि सांप हो गया, मेंढक हो गया, इसको ठंडा कम लगता है, ठीक है। या सांप तो सांप कहते हैं, मछली हो गया, इसको ठंडा कम लगता है। तो ये मछली जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।